की जाने वाली अवैध वसूली के खिलाफ नागपुर के बंटी बाबा शेल के देवरी बॉर्डर के टोल नाका के पास आंदोलन पर बैठे हैं। उन्होंने अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी इस समय की। कई टोल नाकों पर अवैध वसूली की जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। कई ट्रक चालकों द्वारा इस वसूली को समर्थन दिया जाता है, लेकिन अब इसके खिलाफ बंटी बाबा शेल के देवरी बॉर्डर के सामने आंदोलन पर बैठे हैं। उन्होंने इस अवैध वसूली पर कार्रवाई करने की भारी मांग की है, जबकि नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन ने आंदोलन की जगह पर जाकर बंटी बाबा शेल के इस आंदोलन को समर्थन दिया है। ये जो सारा मुद्दा बंटी बाबा शेल के जी ने लिया है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार जिस पैमाने पर और बड़े व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में व्याप्त है, और उसका कारण हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट में जो हमारा बनाया गया है, वह बनाया गया है यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। तो वो करना तो दूर, जिन लोगों को जिस एजेंसी को इसकी जवाबदारी दी गई है तो ये तो काम करते नहीं हैं। जो काम नहीं करना चाहिए इसके माध्यम से अनावश्यक रूप से उगाही की जाती है। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। और 2019 में जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुआ था तो इस विश्वास के साथ किया था कि ये हमारी यातायात व्यवस्था को सुधारेगा, परिपक्व करेगा, और हम कहीं विश्व के साथ में अग्रणी बन के चलेंगे। आज 2019 से लेके 2022 हो गया, 3 साल हो गया, ढाक के 3 पात है। जैसा पहले व्यवस्था थी वैसी आज व्यवस्था है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी 95% गाड़ियाँ बिल्कुल सही चलती हैं। वो गाड़ी ओके हैं, उनके पेपर ओके हैं, फिटनेस ओके है, उनके इंश्योरेंस है, PUC है, परमिट है, सारी सही गाड़ियाँ हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत माइनर चीज़ें नहीं रहती जो एक्ट में बनाई गई हैं कि ड्राइवर्स जूता नहीं पहने हैं, गुटखा नहीं है, अग्निशामक यंत्र नहीं है, या हो सकता है कि फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम भी तैयार हैं उसके लिए, आप इनकी व्यवस्था करवाइए, गाड़ी वालों को बताइए कि आपका ये नहीं है, इसका हम इतना चालान करते हैं, क्लियर करिए। वो चलान करते टाइम वो नहीं लिखते हैं कि हम किसका चलान कर रहे हैं, चलान में धारा लिख देते हैं कि धारा इसका, धारा इसका। वो धारा क्या ड्राइवर समझेगा, क्या कौन समझेगा? आप सीधे लिखिए ना कि क्या किसका चलान कर रहे हो आप, क्या ऑफेंस कर रहा है ड्राइवर, तो समझ में भी आए, तो दोबारा वो गलती भी नहीं करेगा। भाई जब पता चलेगा उसको कि हम क्या गलती, अब यहां तो गलती करने वाले को, गुनाह करने वाले को कुछ पता नहीं है, वो सजा मिल जाती है। अब ये स्थिति ये चल रही है। अब इनके पास में ये तो कुछ सही चीजें हैं, उसके अलावा यदि आप ज्यादा बात करो तो अनावश्यक अधिकार इनके पास तो अधिकार है, उसका अनावश्यक पालन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और वो दुरुपयोग करने के कारण ये हमारे सब समाज में पूरी तरह से उत्पीड़न का काम लगातार हो रहा है। और इस विषय में कई बार, अच्छा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट के संगठन है पूरे देश में व्याप्त है, वो किसी एक छतरी के नीचे नहीं है, पीड़ित सब हैं, परेशान सब हैं, लेकिन लड़ने के लिए कहीं कोई नहीं आ रहा। आज बंटी भाव सेल के आज महीना डेढ़ महीना से लगातार इसके पीछे जेल तक जाके आ गए हैं लड़ाई करने के लिए, और लगातार अभी भी लड़ रहे, आमरण अनशन कर रहे हैं। हम इनका समर्थन भी करने आए हैं, सहयोग भी करने आए हैं, और हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं, पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो भले ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं हैं, सभी लोग इस बात का, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इसका समाधान सभी ने करना चाहिए। हम सभी लोगों को इस आपके माध्यम से सभी लोगों को आह्वान करते हैं, और आने वाले समय में ये लड़ाई को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तब तक जब तक कि हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है, लड़ने के लिए अपनी आप को तैयार रहने के लिए आह्वान करते हैं।
इसका मेन मुद्दा बस यही है कि पिछले 6 दिनों से अनशन करने के पीछे का कारण ये है और बाकी हमारे जो तमाम जो साथी है वो तमाम साथी धरने पे बैठे हुए हैं। मैं खुद 6 दिन से मैंने एक अन्न का दाना भी यहाँ पर प्राशन नहीं किया हुआ है। और 20 तारीख को जो है 20 अप्रैल को हमने मंसर, क्योंकि मैं भी नागपुर में जो है नागपुर में 65,000 मतदारों के बीच में से मैं वहाँ पर पार्षद बना हूँ। पार्षद बनने के बाद मैं मध्य नागपुर विधानसभा से वहाँ पर मैं प्रत्याशी जीता, कांग्रेस पार्टी का थोड़ी बहुत वोटों से मैं हारा। तो वहाँ पर जो बहुत से ट्रांसपोर्टर्स है, ड्राइवर्स है, वो लोगों की शिकायतें थी कि आप लोग जो हो आप लोग अनेक अनेक तरीके से आप आंदोलन करते रहते हो, विभिन्न तरीके के आप आंदोलन करते हो, कहीं ना कहीं पर समस्या का निराकरण करने का काम आप करते हो, लेकिन करने के बाद में भी हमारी जो शिकायतें वो शिकायतें आप तक आज तक पहुँची नहीं। कि आपको चेक पोस्ट में जिस प्रकार से अवैध वसूली वहाँ पर की जाती है गुंडों के माध्यम से, RTO के अधिकारी जो है उनके गुंडों के माध्यम से जो है ड्राइवर भाइयों को जो है ड्राइवर साथियों को मारा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर आपने हमारी मांग ये उचित मांग उठाना चाहिए। तो हम लोग जो है 20 अप्रैल को मैं और मेरे तमाम जो साथी है, तमाम साथी मंसर के चेक पोस्ट पर लाइव वीडियो के माध्यम से हम लोग वहाँ पर गए, ट्रक में बैठ के जाने के बाद में वहाँ पर देखा कि ड्राइवर उतरा, ड्राइवर बेचारा उतरा और वो RTO से न मिलते हुए वो डायरेक्ट पीछे की खिड़की में गया। पीछे की खिड़की में जाने के बाद में 6x8 इंच की खिड़की थी। तो बाद में ड्राइवर आया, ड्राइवर से मैंने पूछा कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो RTO जो अधिकारी है उनके वहाँ पर अवैध गुंडे बैठे हुए रहते, नीचे मुंडी कर भी अगर आप उनका अगर चेहरा अगर देखना चाहोगे तो उनका चेहरा आप देख नहीं सकते। बस वो आपने गाड़ी के कागजात दी, जितनी गाड़ी की फाइल रहती है कागजात की, वो फाइल जाने की ही सिर्फ जगह रहती, और हाथ में उसने अगर ऐसा इशारा किया तो 300, ऐसा इशारा किया तो 700, बस उठने लेकर ही हो जाता। वो होने के बाद में उसके दूसरे दिन यानी 20 अप्रैल को जब हमने वहाँ पर लाइव वीडियो बनाने के बाद में वहाँ पर कपूरिया नामक जो अधिकारी था, कपूरिया नामक अधिकारी वो बरमोड़े पे था। तो इसलिए मैं अभी बरमोड़े पे हूँ, जबकि कोई भी अधिकारी है, RTO अधिकारी है, पुलिस का कोई भी अधिकारी है, वो वर्दी पे रहते हैं। तो ये RTO अधिकारी को भी एक वर्दी जो है शासन प्रशासन की ओर से दी गई है, ये वर्दी पे रहते नहीं। अगर वर्दी पे नहीं रहते, उन्होंने अपने अलग अलग जगह पर प्रत्येक अधिकारी का एक एक मैनेजर उन्होंने पाल के रखा हुआ है, उन्होंने उनके अवैध गुंडे वहाँ पर पाल के रखे हुए हैं कि संविधान के अनुसार, शासन के अनुसार और परिपत्र के अनुसार जो है वहाँ पर एक RTO हर चेकपोस्ट पर, एक RTO के बाद में उसके नीचे में एक चपरासी, उसके नीचे में एक राइटर, उसके नीचे में एक क्लर्क, ये 4 लोगों के अलावा वहाँ पर 5वां आदमी चाहिए नहीं। लेकिन आप अगर समझ लो, मैं आम जन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अगर जाकर वही वहाँ पर अगर कभी देखोगे तो आपको वहाँ पर धड़ल्ले से 20 से 25 वहाँ पर गुंडे दिखेंगे जो RTO ने पाले हुए हैं। VKB न्यूज के लिए नीलेश फरकाड़े की स्पेशल रिपोर्ट। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।